मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सेमी को एक क्लब में देखते हैं। वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड दिखती है जिसका नाम था बेरेक। फ्रेंड उसे कहती है कि यहाँ पर आने से तुम्हें मना किया गया था, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। सेमी का फ्रेंड अरिसी भी यहाँ पर था। अपने ब्रेकअप के बाद बहुत दिनों बाद वो यहाँ पर आया हुआ है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसी क्लब में जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे वो मिला था। उस लड़की का नाम था डेफनी। उसे दूर से देखता है और उसके फिर पास आ गया। डेफनी उसे देखकर स्माइल करती है तो डायरेक्टली उसे किस कर लेता है। इस बात पर डेफनी गुस्सा होके और पूछती है, क्या हर एक लड़की जो तुमसे अच्छे से बात करे क्या उसके साथ तुम यही करते हो? सेमी उसे सॉरी कहता है और फिर उसके साथ फ्लर्ट करना कंटिन्यू करता है। डेफनी कहती है कि तुम बहुत ही वियर्ड हो। सेमी कहता है कि वियर्ड लोग ही वर्ल्ड को एंड करते हैं। वो डेफनी से उसका नाम पूछने लग गया। सेमी का फ्रेंड डेफनी को उसे एक चांस देने के लिए कहता है पर सेमी गुस्से में वहां से चली जाती है। वो जिम में आया हुआ था तो उसका इंस्ट्रक्टर कहता है डेफनी के साथ तुम्हारा जो सेशन था वो कैंसिल हो चुका है। डेफनी ने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद वो रात में घर पर आया। उसके डोर पर उसका लैंडलॉर्ड आता है। वो कहता है कि जरा रेंट बढ़ने वाला है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो या फिर तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड ने पहले डेफनी को कॉल किया था पर डेफनी ने कहा कि सेमी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, इसी वजह से वो डायरेक्टली सेमी से ही बात करे। ये बात जानकर सेमी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन सेमी अपने ऑफिस में जाता है। वहां पर उसके ऑफिस की फ्रेंड एस्टर उसे कहती कि तुम यहाँ पर कैसे? बहुत दिनों के बाद वो ऑफिस में आया था। एस्टर उसे कहती कि बॉस हमेशा मुझ पर बहुत गुस्सा रहती है, इसी वजह से ऑफिस के कामों में एस्टर खुद बहुत परेशान हो जाती है। एस्टर ने सेमी से उसके ब्रेकअप के बारे में पूछा पर इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहता। सेमी को अपने रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आता है। मूव करने वाला था तो उससे वो बात करता है। वो एक मीटिंग फिक्स करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से फ्लैशबैक दिखता है। सेमी ने डेफनी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था तो अगले दिन सॉरी कहने के लिए उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आया। डेफनी को ये गिफ्ट अच्छा लगता है तो दोनों बात करने लगते हैं और डेफनी पूछती कि तुम जॉब क्या करते हो। सेमी को अपना जॉब अच्छा नहीं लगता था। वो एक इलस्ट्रेटर था। उसे अपने खुद के आर्ट पर काम करने में बहुत मजा आता है। वो फिर डेफनी को ये दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसका आर्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। सेमी कहता है कि जो काम हमें अच्छा लगता है वो सही से पे नहीं करता और जो काम अच्छा नहीं लगता उससे ही पैसे आते हैं। डेफनी का व्यू ऑपोजिट था। उसे अपना काम अच्छा लगता था। वो फिर पार्टी फिर से ज्वाइन करते और वहां पर उन्होंने एंजॉय किया। सेमी अपनी लास्ट रिलेशनशिप के बारे में उसे बता रहा था। उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में था पर उस पार्क उस रिलेशनशिप में रहा नहीं और इसी वजह से ब्रेकअप हो गया। वो डेफनी से कहता है कि प्यार की फीलिंग बहुत ही अलग होती है, हमें इसे हमेशा एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो डेफनी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पर वो सिंगल थी। सेमी ने ऑलरेडी उसके लिए अपने हाथों पर टैटू बनवा लिया था। ये शो करता है कि वो बहुत ही कमिटेड था। इसके बाद हम फिर से पास में देखते हैं। उस पार्टी के बाद डेफनी एक दिन डायरेक्टली सेमी के पास आके वो दोनों बात करते हैं और डेफनी ने कहा कि मुझे किस करो। इस किस के बाद वो दोनों बात करने लग के हैंग आउट करते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। डेफनी इस रिलेशनशिप को सिर्फ एज अ टाइम पास देख रही थी। अब प्रेजेंट में सेमी बेरिक के पास आता है। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। बेरिक को पता था कि सेमी का अभी ब्रेकअप हुआ है। उससे कहती कि मैं तुम्हारी रिमाउंड नहीं बन सकती। उन दोनों का फिर से रिलेशनशिप में आने बाद सही नहीं होगा। सेमी कहता है कि मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं। सेमी डेफनी को एक जगह पर लेकर आता है जो वॉल पर आर्ट बनाता है। इसी तरीके से उसने डेफनी का पिक्चर वॉल पर बनाया था। ये बहुत ही अमेजिंग था। इसके बाद वहां पर उसे सरप्राइज करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं। अब वैसे हम सेमी को प्रेजेंट में अपनी कंपनी में देखते हैं। वहां पर उसके बॉस सेडा को एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट मिला था और इसके लिए सेमी की उन्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। सेमी का आजकल फोकस नहीं हो रहा था, इसी वजह से बॉस उसे कहती है बाकी सब चीजें को छोड़कर इसी काम पर फोकस करो। इसके बाद पास्ट में हम देखते हैं कि सेमी और डेफनी दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। सेमी की फ्रेंड ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया था पर सेमी डेफनी को लेकर नहीं जाना चाहता था। ये पार्टीज बोरिंग होती है और नहीं चाहता कि डेफनी भी बोर हो जाए। उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि डेफनी नहीं आने वाली। इस बात से डेफनी को बुरा लगता है। सेमी के कुछ पुराने कपड़े थे जिन्हें वो फेंकने वाली थी। ये देखकर सेमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं सारे कपड़े निकाल देता हूँ। कपड़े निकाल कर वो बाहर आ गया। उसे अंदर लाने के लिए डेफनी अपने कपड़े उतारने लग जाती है। इसके बाद वो अंदर आ गया और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर फिर अपने फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। वो चलते चलते अपने घर पर जा रहे थे। रास्ते पर बस रुकती है। सेमी कहता है कि मेरे साथ चलो। वो बस में चढ़ गए। डेफनी कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, हम कहाँ पर जा रहे हैं? सेमी कहता है कि बस कहाँ पर जाएगी इसके बारे में हमें पता नहीं है, एक बहुत अच्छा एडवेंचर हो जाएगा। वो फिर एक न्यू जगह पर आके वहाँ पर वॉक करते हुए अपना टाइम वो स्पेंड करते हैं। इसी तरीके से उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। एक रात सेमी की नींद खुली तो डेफनी उसके पास नहीं थी। वो बालकनी में खड़ी होकर रो रही थी। सेमी उससे पूछता है कि हुआ क्या। डेफनी कहती है कि मैं मेरी लाइफ में हमेशा दुखी रही हूँ, जब से हम एक साथ हैं तब से स्लोली स्लोली वो सारा पेन चला गया। वो आंसू खुशी के आंसू थे।
सेमी फिर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सेमी को ये सब बातें याद आ रही थी। वो जाकर अपने बॉस से कहता है कि मैं अपने काम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बॉस कहती कि तुम्हें इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, इसी वजह से तुम्हें हमने हायर किया है। रात में फिर वो अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाता है। उस फ्रेंड के साथ डेफनी ने बात की थी। फ्रेंड कहता है कि तुम्हें डेफनी को जल्दी से प्रपोज कर देना चाहिए था। रिलेशनशिप टूटने का यही रीजन होता है। लड़कियां एक्सपेक्ट करती है कि तुम उन्हें प्रपोज करो, अगर तुम नहीं करते हो तो वो ब्रेकअप कर लेती है। सेमी पूछता है कि डेफनी ने तुमसे एग्जैक्टली कहा क्या। फ्रेंड कहता है कि डेफनी तुम्हारी रिलेशनशिप में खुश नहीं थी, वो भी आज यहाँ पर पार्टी में आने वाली थी। सेमी आ रहा था, इसी वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर लिया। डेफनी ने अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं किया है, वो अलग अलग जगह पर घूमती रहती है। सेमी को इस बात से बुरा लगता है। वो अपने ऑफिस की फ्रेंड एस्टर के पास आ जाता है। वो दोनों फिर इंटीमेट होने लग गए। यहाँ पर ऑफिस के बहुत सारे लोग थे, तो एस्टर ने कहा कि अगर ऑफिस के लोगों को हमारे बारे में पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से वो स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद हम पास में देखते हैं, सेमी घर पर आता है। डैफनी उसने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश कर रही थी। उससे कहती कि मैं कर नहीं पा रही। आज उसने 5-6 घंटे यूट्यूब पर लेसन सीखे थे, पर फिर भी वो सीख नहीं पाई। वो दोनों एक दूसरे के डे के बारे में बात करते हैं। डैफनी ने सेमी से पूछा कि मैंने तुम्हें जो क्लोथ लाने के लिए कहे थे क्या तुमने वो लाए है। सेमी ये बात भूल गया था। वो जल्दी से ड्राई क्लीनर के यहाँ पर पहुंचते हैं, पर ये बंद हो चुका था। डैफनी कहती कि तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही काम करने के लिए कहा था, फिर भी वो तुम सही से कर नहीं पाए। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सेमी अपने रियल एस्टेट एजेंट से स्विमिंग करते हुए मिलता है। एजेंट ने कहा कि तुम्हें अपने घर से मूव आउट करना पड़ेगा, इस चीज को तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए, मेरे साथ आकर अलग अलग प्लेसेस को तुम्हें देखना चाहिए। एजेंट जा रही थी तो उसके पैर पर जो टैटू था ये सेमी देखता है और उसे पास्ट की याद आई। एक रात एक पार्टी में एक लड़की का टैटू वो देख रहा था। ऐसा करते हुए डैफनी उसे पकड़ लेती है, डायरेक्टली जाकर उस लड़की से बात करती है। कहती कि मेरे बॉयफ्रेंड को तुम्हारा टैटू पसंद आया, उसे जाकर दिखा कराओ। डैफनी बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई थी। सेमी कहता है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है। उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों एक लेक पर आए थे। सेमी उसे पूछता है क्या तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी बच्चे नहीं चाहिए। डैफनी कहती कि उसके करियर में उसे बहुत सारी चीजें करनी है, अब वो बच्चों के बारे में सोच नहीं सकती। तुम भी उतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो कि एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओ, हमेशा तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सेमी फिर वही बोर्ड पर सो जाने का प्रिटेंड करता है। डैफनी उसे उठाने के लिए बोर्ड को हिलाने लग जाती है। वो दोनों फिर पानी में कूद गए। कार में आकर अपने कपड़े चेंज करते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो गए। इसके बाद प्रेजेंट में सेमी की अपने बॉस के साथ मीटिंग चल रही थी। बॉस उसे कहती है कि तुमसे काम हो नहीं पा रहा, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें कर नहीं पा रहे तो तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा। सेमी कहता है कि मैं इसके लिए ट्राई करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो अपने बॉस से एक फेवर मांगता है, उसे नए प्लेस के लिए डिपॉजिट की जरूरत थी तो बॉस से उसने मांग लिया। बॉस बहुत अच्छी थी और उसे पे कर देती है। हम फिर से पास देखते हैं। सेमी को डैफनी का कॉल आया था। डैफनी की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। सेमी उसे सहारा देता है और कहता है कि मेरी एक मीटिंग है, मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं घर पर आऊंगा। ये सब बातें एस्टर सुन रही थी। उसे पूछते कि आज तो कोई भी मीटिंग नहीं है। सेमी कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसी वजह से वो डैफनी को इग्नोर करना चाहता था। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेमी एस्टर के पास आता है, उसे रात में पिज्जा और वाइन के लिए इन्वाइट करता है। एयरपोर्ट से सेमी को डैफनी की याद आती है, डैफनी की कॉन्फ्रेंस थी और इसी वजह से सेमी उसके पास आ गया। डैफनी उसे नहीं लेकर जा रही थी, फिर भी उसके प्लेन में वो चढ़ गया था। डैफनी गुस्सा थी कि सेमी ने उसे झूठ कहा था। उसकी ग्रैंड मदर की फ्यूनरल पर सेमी को आना चाहिए था। डैफनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसे कहती है कि दिन भर मुझे कॉल मत करना, उसे अपने काम पर ही फोकस करना था। सेमी फिर होटल के रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी, उसे वो हाई करता है और कुछ घंटों बाद उन दोनों की बात होने लग गई। एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। वो लड़की सेमी में बहुत इंटरेस्टेड थी, उसे अपना नंबर दे देती है। अगली सुबह सेमी डैफनी को सॉरी कहता है। डैफनी कहती कि मेरी ग्रैंड मदर तुमसे बहुत प्यार करती थी, वैसा क्यों करती थी ये अब भी मुझे पता नहीं है। सेमी डैफनी को एक डिजाइन दिखाता है, कहता है कि तुम मैं टैटू करवा सकती हो। डैफनी को टैटू करना अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ दिनों बाद उसने सेमी के लिए कर लिया था। डैफनी सेमी का मोबाइल देखती है तो उसमें वही होटल की लड़की अब भी उसे मैसेज कर रही थी। सेमी कहता है कि वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है। डैफनी कहती कि अगर कोई मेरा ओल्ड फ्रेंड तुम्हें मैसेज करे क्या तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से उनका झगड़ा हो जाता है। प्रेजेंट में देखते हैं कि सेमी से मिलने के लिए उसका ब्रदर आया हुआ था। वो इंस्टाग्राम पर डैफनी की फोटो देखता है। उसने कहा कि डैफनी मूव ऑन कर रही है, उसने अपने प्रोफाइल से तुम्हारे सारे पिक्चर्स हटा दिए हैं। सेमी सोशल मीडिया पर उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता था। सेमी की मदर ने उसका फोन रिपेयर करने के लिए कुछ पैसे भेजे थे तो इससे वो करवा लेते हैं। रात में सेमी भूल चुका था कि एस्टर को उसने वाइन और पिज्जा के लिए बुलाया था। फिर वो तीनों मिलकर हैंग आउट करते हैं। एस्टर ने उसके साथ कुछ टाइम बिताया और इसके बाद वो चली गई। रात में सेमी अपने ब्रदर से पूछता है कि अगर मेरा भी सोशल मीडिया पर अकाउंट होता तो क्या मैं भी उसकी फोटोज डिलीट कर देता। ब्रदर कहता है कि हाँ,
वो फिर उन दोनों की सारी फोटोज लेता है और उसने उन्हें जला दिया। सेमी ने भी एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया ताकि वो डेफनी को फॉलो कर सके। डेफनी अब अच्छे अच्छे फोटोज डाल रही थी। ब्रदर ने कहा कि इसका मीनिंग है कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है। सेमी फिर अपने काम पर फोकस करने का ट्राई करता है। उसने अपने घर में सेमी की जो फोटो बनाई थी इसे उसने मिटा दिया। वो एक नया आर्ट बनाता है। रात में सोते वक्त सेमी को डेफनी की बहुत याद आती है, किस तरीके से वो साथ में होते थे। अगले दिन वो एक न्यू घर देखने के लिए गया। उसकी एजेंट उसे दिखा रही थी तो उसके वो करीब आ जाता है और दोनों इंटीमेट होने लग गए। बीच में ही उसका मूड चला जाता है। एजेंट उससे कहते कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी उसे घर रेंट पर लेने के लिए रिकमेंड करती है। इसके बाद हम पास्ट में देखते हैं कि डेफनी को अपने जॉब के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर मिला था। इसके लिए उसे एक न्यू कंट्री में जाना पड़ेगा। सेमी कहता है कि तुम यहाँ पर भी अपना जॉब कर सकती हो, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। डेफनी फिर वहाँ पर जाने का कैंसिल कर देती है। इसके बाद वो दोनों वैकेशन के लिए इस्तांबुल आए थे। डेफनी खुद को डाउट कर रही थी कि जॉब के ऑफर को छोड़कर उसने क्या ठीक किया है। सेमी कहता है कि देखो हम वैकेशन पर है, इस तरीके से अच्छी लाइफ तुम जी नहीं पाओगी। वो डेफनी के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डेफनी को ये बात बहुत अच्छी लगती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेमी का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर डेफनी मूव ऑन कर रही है तो तुम भी मूव ऑन कर सकते हो, तुम भी अलग अलग जगह पर घूमते हुए अपना जॉब कर सकते हो। अगले दिन जिम में सेमी के पास उसका फ्रेंड आया, ये डेफनी को भी जानता था। वो कहता है कि डेफनी ने जॉब ले लिया है, वो वहां पर मूव कर रही है, क्या तुम भी उसके साथ जा रहे हो। सेमी को इसके बारे में पता नहीं था, इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। उसे भुलाने की कोशिश करना चाहता था। उसने डेफनी के लिए जो टैटू बनवाया था इसे जलाने की वो कोशिश करता है। उसे याद आता है कि एक दिन वो बहुत बीमार था। डेफनी उसका ख्याल रखना चाहती थी पर उसे ख्याल रखने नहीं देता। वो खुद बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। डेफनी फिर वहां से चली गई। प्रेजेंट में सेमी अपना काम कर रहा था। उसका ब्रदर उसे कहता है कि आज रात पार्टी है, क्या तुम भी वहां पर चलोगे। सेमी आने के लिए उसे मना कर देता है। रात में उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है कि यहाँ पर एस्टर भी आने वाली है। सेमी फिर तुरंत वहां पर आ गया। फ्रेंड उसे देखकर कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था ताकि तुम यहाँ पर आ सको, थोड़ा सा एंजॉय कर पाओ। ये सारी बातें सेमी को अच्छी नहीं लगती। सेमी के फ्रेंड ने उसके ब्रदर को एक गोली दी थी, ये ड्रग्स थे। ये देखकर सेमी बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने फ्रेंड को मारने लग जाता है। बाद में वो क्लब से बाहर आ गया, एक कुत्ते से बात करने लग गया। वो कहता है कि अब मैं डेफनी पर गिव अप कर रहा हूँ। वो रात में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास आया। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। एक्स गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब वो प्रेग्नेंट है। सेमी को उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन उसके घर पर उसने एस्टर को देखा। एस्टर सेमी के फ्रेंड के साथ घर पर आई थी। एस्टर ने कहा कि अभी अभी यहाँ पर डेफनी अपना सामान लेने के लिए आई थी। सेमी जल्दी से उठकर डेफनी के पीछे आता है। सेमी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल चुकी हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। डेफनी कहती कि कल तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे। सेमी को इसके बारे में याद भी नहीं था। उसे नशे में लग रहा था कि वो कुत्ते से बात कर रहा है पर वो डेफनी के पास आया था। डेफनी उससे कहती कि जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो अपने ही बारे में बात कर रहे थे। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई, तुम हमेशा खुद के ही बारे में सोचते रहते हो। वो फिर वहां से चली जाती है। सेमी अब अपनी जॉब पर भी नहीं जा रहा था। उसकी बॉस उसे मिलने के लिए आई। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत चांसेस दिए, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही फायर कर देना चाहिए था पर फिर भी मैंने ऐसा किया नहीं। ये क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम इसके लिए अच्छा काम कर सकते हो और इसी वजह से और एक चांस देने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। सेमी ने डेफनी के साथ जो भी पल बिताए थे सब कुछ उसे याद आते हैं। जब वो यंग था तभी उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे। अभी रिसेंटली एक दिन उसके घर पर आकर एक चीज वो छोड़कर गए थे, इसमें एक लेटर था। इसके बारे में अपनी मदर से फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है कि फादर की एक बैड क्वालिटी मुझ में आई है, जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें मैं रोक नहीं पाता। उसकी मदर ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है। वो कहती है कि हर एक के हार्ट ब्रेक की अलग जर्नी होती है, वो हमें खुद ही तय करनी पड़ती है। सेमी फिर से अपने आर्ट पर काम करना स्टार्ट करता है। वो अपने नए घर में मूव हो गया। एस्टर हमेशा उसे कहती है कि उसकी लाइफ फन नहीं है तो उसे गिटार लेसन वो गिफ्ट देता है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करता है, उनके लिए भी आर्ट बनाता है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। जैसे डेफनी ने उसे कहा था कि कभी भी तुम किसी और का ख्याल नहीं रख सकते। वो फिर एक डॉग शेल्टर आता है और एक डॉग को अडॉप्ट करता है। वो डॉग से कहता है कि अब मैं सीखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक दिन जब वो अपने डॉग को घुमा रहा था तो उसे डेफनी दिखती है। वो कहती है कि एक वीक के लिए यहाँ पर मैं वैकेशन के लिए आई थी। उसने नोटिस किया कि सेमी ने और एक न्यू टैटू बनवाया है। इसमें आदमी के खुद के स्ट्रगल के बारे में लिखा था कि हमेशा आदमी खुद से ही झगड़ता रहता है, हमेशा इम्प्रूव होने की कोशिश करता है। डेफनी ये देखकर कहती है कि टैटू तुम्हें सूट नहीं करता,
तुम्हें कुछ अलग लिखना चाहिए था। तुम्हें फायरवर्क्स की तरह जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है पर उसके पीछे डार्कनेस होता है, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सेमी इस बात पर सिर्फ हंस देता है क्योंकि इस तरीके से वो खुद को नहीं देखता। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।